अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं और रमज़ान में बहुत ही अच्छे से रोज़े रख रहे होंगे और बहुत ही अच्छी अच्छी डिश जो है ट्राई कर रहे होंगे ना। तो कमेंट में ज़रूर बताओ कि क्या क्या आपने नई नई डिश बनाई है अपने घर वालों के लिए। और अभी यहाँ पे टाइम हो रहा था, 1 बज रहे थे शायद, 12:30, और मैं एग रोल बना रही हूँ आतिफ के लिए। और आज उसका यही ब्रेकफास्ट है और ये लोग ना अभी हॉलीडेज चल रही है तो काफ़ी लेट उठ रहे हैं, इसीलिए ब्रेकफास्ट जो है लेट हो जाता है, फिर खाने में भी लेट हो जाता है और खाना ये लोग बिल्कुल भी अच्छे से नहीं खाते हैं। फिर तो सिंपल सी रेसिपी है एग रोल की, बस फेंट लेना है एक अंडे को, उसमें सॉल्ट ऐड करना है और उसे फिर से अच्छे से फेंट लेना है और फिर ऑयल में डाल के स्प्रेड कर लेना है और उसके ऊपर कोई भी रोटी या रात की रोटी हो या पराठा जो भी हो ना, बस उसे डाल के दो। आप उसे फिर अच्छे से सेक लें दोनों साइड में और उसके बाद सॉस ऐड करके उसे स्प्रेड कर दें और फिर रोल कर दें तो बहुत ईजिली ना एग रोल बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमी भी होते हैं। मैं खुद भी ये वाला एग रोल ना खाती हूँ, लेकिन जब मैं अपने लिए बनाती हूँ ना तो फिर मैं वेजिटेबल्स ऐड कर देती हूँ। एग रोल बनाने के बाद मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए जोहर की, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी टाइम मिलता है तो नमाज़ मैं ज़रूर पढ़ लेती हूँ। और नॉर्मल डेज़ में ना मैं बहुत कम नमाज़ पढ़ती हूँ, एक ही टाइम की पढ़ पाती हूँ और कभी कभी तो वो भी छूट जाती है। तो बस अभी रमज़ान चल रहा है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कोई टाइम की भी नमाज़ ना छूटे। एनीवे, अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ रूह अफ़ज़ा शरबत, जो कि गर्मियों में और रमज़ान में तो सबका फेवरेट होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। तो मैंने एक पैकेट दूध लिया है 500 ml वाला, उसमें 1 glass वाटर ऐड कर दिया है और 1 cup, ये जो आप कप देख रहे हैं ना मेजरमेंट वाला, इसमें 1 cup मैंने चीनी ली है और उसी 1 cup से मैंने लिया है रूह अफ़ज़ा। तो इस मेजरमेंट से आप बनाओगे ना तो रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा शरबत पसंद है ना तो चीनी और भी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। एंड इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेना है, इसकी जो चीनी है ना बहुत देर तक घुलती नहीं है। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी, थोड़े से पानी में ना आप पहले से ही चीनी डाल के रख दें तो जब वो चाशनी बन जाएगी ना, मतलब रखे रखे डिज़ोल्व हो जाएगी, उसके बाद आप मिल्क उसमें ऐड करें और रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी से शरबत बन के रेडी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो अभी छोटे छोटे पीसेस में वाटरमेलन कट करके रखा है ना, ये मैं सर्व करने के बाद उसमें ऐड कर दूँगी। और पहले से मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो उसका पानी है ना वो पूरा उसमें मिक्स होके अच्छे से बहुत ज़्यादा वो पतला हो जाएगा शरबत, तो बस इसीलिए जब सर्व करूँगी ना तब मैं उसे मिक्स करूँगी तो फिर बहुत अच्छा लगेगा वो। बाय द वे, यहाँ पे मैं कर रही हूँ आलू को मैं छील रही हूँ क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी थी और मैं बैंगन और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ मसाले वाली, जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि एक और सब्ज़ी ना बन रही थी, चिकन का सालन बन रहा था तो वो तो मुझे उतना पसंद नहीं है, इसलिए एक मैं ग्रीन वेजिटेबल्स बना लेती हूँ ताकि मैं और खुशनुमा ना अच्छे से खाना खा लें। वैसे भी अभी एक टाइम का ही खा रहे हैं हम लोग, रमज़ान में हर कोई एक टाइम का ही खाना खाता है तो क्यों ना उसे अच्छे से खाया जाए और जो पसंद है ना वही सब खाएं। ये जो सब्ज़ी है डिनर के लिए बन रही थी और टाइम लगभग हो रहा था 3:30 बज रहा था, तो फिर मैंने जारून को खाना खिलाया,
वैसे भी वो बहुत ज़्यादा नखरे वाला है, जब तक मैं उसे ना खिलाऊँ ना तो वो तो फिर खाए ही ना खाना। तो बस मैं बैठ गई थी इसे खाना खिलाने के लिए, और इसी बहाने ना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है, मतलब कि आप उसे बात कर सकते हो, उससे उसकी पसंद पूछ सकते हो। ऐसे तो बच्चे ना बिल्कुल आते नहीं, जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं ना तो फिर अपने खेल में ही लग जाते हैं, अपने फ्रेंड के साथ, भाई बहनों के साथ, और हमारे पास ना बस काम से ही आते हैं। तो बस इसी तरह से टाइम मिल जाता है एक दूसरे के साथ में, तो मैं खिला देती हूँ खाना। एंड इस टाइम पे ना हम लोग पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं अच्छे से 4 बजे तक के, और उसके बाद हम लोग अपने रूम में चले जाते हैं या फिर हॉल में ही टीवी देख लेते हैं। और पढ़ना लिखना तो क्योंकि हो चुका होता है पूरा उस टाइम पे, तो थोड़ा बहुत एंटरटेन भी ज़रूरी है। वैसे तो थोड़ा सा रमज़ान में ना नहीं देखना चाहिए, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, हर कोई देख ही लेता है। और यहाँ पे हम लोग रोटियाँ बना रहे थे क्योंकि मदरसे का बच्चा ना टिफ़िन लेके जाता है। और यहाँ पे ना एक नियम है जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे ही रमज़ान लगे ना तो एक मदरसे के बच्चे को आप बुला लो, उसे अफ्तारी कराओ, और उसके बाद उसको ना रात के लिए खाना और सहरी के लिए भी खाना, मतलब कि 2 टाइम का खाना भी उसे पैक करके दे दो। तो ये चीज़ ना मुझे काफ़ी अच्छी लगती है यहाँ पे। एंड आज ना बहुत कुछ हमने नहीं बनाया था, बहुत सिंपल सा इफ्तार था क्योंकि खुशनुमा के मायके से ना बहुत कुछ आ गया था आज, उनके यहाँ से अफ्तारी आई थी, तो दही बड़े आए थे और साबुदाने का बड़ा था और चाइनीज़ पकोड़ा था और इतना कुछ था। तो हमने सोचा अब क्या बनाए, इतना सब कुछ तो आ गया है, तो फिर मैंने ना मैगी बनाई क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है, इनको भी बहुत पसंद आती है, इनको मतलब मेरे हस्बैंड को। और उसके अलावा अब मैं यहाँ पे थाली बना रही हूँ, अलग अलग प्लेट बना लेती हूँ ताकि सबको इजी हो जाए और सबको सारी चीज़ें मिल सके, इसलिए मैं थाली बना लेती हूँ शाम में। और हमारे घर में एक चीज़ और बनी थी, मटन और आलू का कबाब बना था, अभी वही फ्राई होने वाला है, लास्ट में हम लोग फ्राई करेंगे ताकि वो गरम गरम रहे खाने के टाइम तक, और थाली बन जाएगी और कबाब भी बन जाएंगे। तो लास्ट में ना फिर मैं वाटरमेलन, जो मेरा अधूरा बना हुआ है वाटरमेलन वाला जूस, मतलब कि रूह अफ़ज़ा वाला शरबत, उसको मैं पूरा करूँगी। इसको करने के बाद ना मैंने शरबत को भी बना के पूरा कर लिया था, इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी, आप देख सकते हो। इस टाइम पे ना टाइम बहुत कम होता है, लगभग 1 घंटा होता है, लेकिन इस 1 घंटे में ना बहुत सारे काम हो जाते हैं फटाफट से। वाकई में रमज़ान का महीना ना अलग ही होता है, ऐसे तो हम बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते इतना जितना कि हम लोग 1 घंटे में रमज़ान में कर लेते हैं। तो यहाँ पे थाली भी बन गई, अब कबाब रेडी हो रहा है, और मैगी भी मैं अभी ही बनाऊँगी क्योंकि पहले से बनी हुई ना मैगी बिल्कुल नहीं।
इस तरीके से आप डेकोरेट करोगे ना तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और इतना सिंपल सा है ये शरबत, लेकिन पीने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है और टेस्टी भी लगता है। और आप देख ही सकते हो देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ना। सारा काम होने के बाद अब काम रह जाता है टेबल लगाने का, तो वो भी एक कला है। आप जितने अच्छे से टेबल लगाएंगे उतना ही अच्छा लगता है देखने से। तो मैं रोज़ ना बड़े ही अच्छे से ना टेबल जो है उसे तैयार करती हूँ, दस्तरखान बिछा के बहुत ही तरीके से प्लेट्स रखती हूँ, मतलब कि बहुत अच्छे से ना डेकोरेट करती हूँ ताकि देखने से बड़ा ही अच्छा लगे। तो बस यही, जब मैं टेबल रेडी करती हूँ ना तो मुश्किल से 10 मिनट ही रहते हैं रोज़ा खोलने के लिए। तो बस यही था आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स और फैमिली में, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी रोज़े से हूँ और मेरा गला थोड़ा सा सूख रहा है। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लिए खूब ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज़।